अब मैं बात करना चाहूँगा चिदांश जी से, चिदांश अग्रवाल जी से। आप विकास नगर देहरादून के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। आपके संबंध में मुझे हमारे मित्र भाई जो आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज से 40 वर्षों की सेवा करने के पश्चात हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, श्री अनिल गुप्ता जी, उन्होंने आपके परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में मुझे कल शाम अवगत कराया कि आपके पिताजी भी निर्धन छात्र छात्राओं की बहुत सहायता करते थे। तो उन्होंने शायद आपसे संपर्क किया और आपने भी कहा कि मैं रविंद्र सैनी प्रधानाचार्य श्री गुरु रामराय इंटर कॉलेज सहसपुर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़कर निर्धन छात्राओं की सहायता करना चाहता हूं। तो आपका हार्दिक स्वागत है इस पुण्य कार्य में। आप कृपया अपने विचारों से 1 मिनट के अंदर के अंतराल में अवगत कराइएगा। प्रथम सर आपको नमस्कार, सभी गुरुजनों को प्रणाम। आपने जो ये कार्यक्रम मोदी जी वाला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जो कार्यक्रम रखा है, मैं स्वागत करता हूँ। ईश्वर करे मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। और मैं सिर्फ इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये मोदी जी इसको हमारी विचारधारा को माने। और जहाँ तक इसकी बात है इसी कॉन्सेप्ट की, विचार संकलन की, तो कुछ बचपन से ही ऐसा है। एक ज़माने में हमारे अपने पिताश्री जी के साथ मिलकर श्री सनातन धर्म आदर्श विद्यालय की स्थापना की थी। दुर्भाग्य से वो 2 सालों से बंद हो गया, अन्यथा इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के अभियान से तो मैं लगभग ये मान लीजिए कि 51 वर्ष मेरी उम्र है, तो लगभग 25 वर्षों से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ किसी ना किसी तरह से। मेरा रेडीमेड गारमेंट का कार्य है, तो कोई भी बेटी आ जाए, उसके निर्धन माँ बाप आ जाए और वो अगर ये रिक्वेस्ट कर लें कि सर हमारे पास कुछ नहीं है, तो मैं कभी मना करने का तो प्रश्न नहीं उत्पन्न होता। बस ये पहले से ही थी और अब प्रधानाचार्य महोदय ने मुझे प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया है, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं हर संभव प्रयास करूँगा जो मुझसे हो सकेगा उन बेटियों के लिए। मैं नहीं कहता कि मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, जो भी ईश्वर कृपा करेंगे मैं उन बेटियों के लिए, उनमें अभाव न हो वो भाव में रहें। अभाव वाली बेटियाँ अगर भाव में रहें तो ये मैं अपने ऊपर उनकी कृपा समझूंगा, मेरी कोई कृपा नहीं, उन बेटियों की मुझ पर ये कृपा है, अनुकंपा होगी। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा सर, मैं अवश्य उपस्थित होने का संभव प्रयास करूँगा और अवश्य जो भी मुझसे होगा अवश्य करूँगा। मैं आपके आध्यात्मिक और परोपकारी विचारों से बेहद स्वयं बहुत प्रभावित हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो समाज सेवा कर रहे हैं, आपके इस समाज सेवा के भाव से दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे, निश्चित रूप से प्रेरित होंगे। तो मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। धन्यवाद।